हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे VTCJEE रिजल्ट अपडेट के ऊपर। देखिए क्या क्या यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, काफ़ी सारे यहाँ पे दिक्कत होने वाले हैं VTCJEE कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो BPSC कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में 10,000 स्पीड पोस्ट किए थे। तो ये 2020 की आया न्यूज है। एंड जो अभी जो रिजल्ट आई थी 1200 की आसपास, जो अभी रिजल्ट सिविल की AE की निकल के आई थी पिछले महीने, तो ऐसे में इनका रिजल्ट जो है कि लगभग 1 वर्ष बाद यहाँ पे आया है। देखिए यहाँ पे रीजन क्या है 1 वर्ष आने का, तो यहाँ पे जो भी इनका मेंस का रिजल्ट था उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू होना था, देन इस कारण से इतना डिले हुआ। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्पीड पोस्ट यहाँ पे करने का क्या बेनिफिट हुआ, इन सभी के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देख पा रहे हो सेम सिचुएसन यहाँ पे BPSC JEE कैंडिडेट भी यहाँ पे झेल पा रहे हैं, जो रिजल्ट होल्ड पे है। सेम सिचुएसन यहाँ पे BPSC का भी था, जो पिछले वर्ष की बात कर ले तो यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे में आप लोग देखेंगे कि सबसे ऊपर में ही हेडिंग है, आप लोग देख पा रहे हो BPSC अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट को भेजे 10,000 स्पीड पोस्ट, यानी कि पोस्ट कार्ड यहाँ पे भेजे, और 15 मार्च यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे होल्ड पे था। अब देखिए यहाँ पे BTSC की भी बात कर ले तो BTSC का भी लगभग 7 से 8 माह यहाँ पे रिजल्ट का हो चुका है और फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। सेम सिचुएसन यहाँ पे BTSC भी फेस कर रही है, और उसके साथ साथ जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे बुरा हाल है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि मुख्य न्यायाधीश को, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 10,000 से अधिक पोस्ट कार्ड भेजे गए थे। इसका रीज़न क्या था भेजने का, कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो है कि डिसीजन दी जाए, जो भी डिसीजन देना है। शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने GPO में, और ये पटना की न्यूज है, तो पटना GPO में पोस्ट कार्ड में जमा करने के लिए जुटे थे, और इन्होंने बताया कि यांत्रिक का रिजल्ट आ चुका है और सिविल का होल्ड पे रखा गया है, यही रीज़न था। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि सभी जगह से मांग करने के बाद निराश हाथ लगने पर अब आखिरी उम्मीद जो है कि मुख्य न्यायाधीश ही हैं, और 2017 के आवेदन का रिजल्ट पेंडिंग में छात्र छात्राओं मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। सेम सिचुएसन अभी BTSC भी कैंडिडेट का भी मानसिक तनाव यही होगा जो BPSC कैंडिडेट का था। एंड और यहाँ पे देख पा रहे हो मित्र भी जल्द से जल्द रिजल्ट के लिए पत्र यहाँ पे भेज रहे हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे मिलकर ने 10,000 स्पीड पोस्ट किए थे। और एक और यहाँ पे आर्टिकल है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो दूसरा जो आर्टिकल है कि 15 माह से रिजल्ट का कर रहे हैं इंतज़ार, सेम उसी का ये न्यूज है। और यहाँ भी देख पा रहे हो कि मुद्दा उठाया था, यहाँ भी विधानसभा में देख पा रहे हो मुद्दा उठाया गया था अभ्यर्थियों ने निराश होने का, 15 माह से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था। BTSC का भी यहाँ पे मुद्दा उठाया गया है, बट यहाँ पे जो सेम BPSC का है सेम यहाँ पे BTSC का यहाँ पे हाल है, सेम है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके साथ यांत्रिक का पदों का परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे रीजन क्या है अलग अलग रिजल्ट जारी करने का, यहाँ पे विज्ञापन अलग अलग निकलती है, जिस कारण से इसका जो है कि यांत्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, सिविल का काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर रिजल्ट आया। आयोग ने सिविल पदों के लिए रिजल्ट जारी नहीं करने के कारण मामला हाईकोर्ट का लंबित होना बताया है। सेम अभी भी BTSC की बात कर ले, इन्होंने भी यही कहा है कि अभी हाईकोर्ट में लंबित है। उसके बाद जो है कि अभ्यर्थियों ने किया क्या कि यहाँ पे देख पा रहे, शुक्रवार को दर्जनों अभ्यर्थियों ने GPO में जुटे, सभी जल्द से जल्द सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश को, यानी कि चीफ जस्टिस को यहाँ पे पत्र भेजा कि जल्द से जल्द यहाँ पे न्याय दे करके और रिजल्ट प्रकाशन करने की बात कही है। तो यहाँ भी BTSC जो कैंडिडेट है, आप लोग का यदि होल्ड पे ऐसे ही रहा, यहाँ पे बात कर ले यहाँ पे जो केस की हियरिंग है लगभग कई महीनों से चल रही है, और अभी जो है कि स्टे की बात कर ले तो काफ़ी लंबी जो है कि यहाँ पे लिस्ट नीचे होने के कारण स्टे हटने में भी काफ़ी अभी टाइम लगेगा। दूसरी बात कि यहाँ पे यदि जैसे कि जुलाई में फिर अगस्त में यदि नेक्स्ट हियरिंग दिया जाता है सुनने के बाद, तो फिर 15-20 दिन महीनों आगे दिया जाता है टाइमिंग, तो ऐसे में तो काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें हो जाएंगे ना। 7 से 8 माह यहाँ पे रिजल्ट का यहाँ पे डिले हो चुका है, यानी कि काउंसलिंग कराए हुए हो चुका है, अभी तक रिजल्ट पेंडिंग में है, रिजल्ट नहीं आना, ये तो सारे ये तनाव हैं ही। दूसरी बात कि यहाँ पे यदि
अगस्त के बाद फिर सितंबर में, अक्टूबर में ऐसे बढ़ता गया तो यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें मुश्किल हो जाएंगे ना BTSC कैंडिडेट के लिए। तो ऐसे में जल्द से जल्द यहाँ पे जारी करने के लिए कोर्ट से जब तक स्टे नहीं हुआ हटेगा तब तक कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तो ऐसे में BTSC कैंडिडेट भी यहाँ पे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं और जल्द से जल्द यहाँ पे जो है कि स्टे हटाने या जो भी डिसीजन हाई कोर्ट को देना है डिसीजन दे, ताकि यहाँ पे रिजल्ट को जल्द से जल्द यहाँ पे प्रिपेयर करके यहाँ पे रिजल्ट को जारी किया जाए। लगभग रिजल्ट तो तैयार है, अब जो है कि स्टे हटने की बात है तो स्टे जैसे ही हटेगा उसके बाद ही कुछ यहाँ पे कमीशन के ऊपर जो बातें हैं वो बोला जा सकेगा। यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे जो भी जनता दरबार है, जनता दरबार में भी यहाँ पे इसका जो है कि आवाज़ चला जा चुका है और जनता दरबार में रिजल्ट की भी बात मांग उठ चुकी है और यहाँ पे साफ यहाँ पे आयोग की ओर से जो क्लैरिफिकेशन भी कर दिया गया है कि जब तक स्टे नहीं हटेगा हम रिजल्ट नहीं दे सकते। तो यही है कि अब जो अगस्त के फर्स्ट वीक में भी कुछ पेपर में आर्टिकल प्रकाशित किए गए थे कि अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा, तो जब तक यहाँ पे स्टे हटेगा नहीं तब तक तो रिजल्ट आने की उम्मीद कम है। तो ऐसे में आप लोग स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं चीफ जस्टिस को जल्द से जल्द इसको निर्णय देने के लिए, ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे रिजल्ट प्रकाशन की जा सके। तो इनका जो है कि अब BPSC की बात कर ले तो ये लगभग जून की आसपास की न्यूज है 2020 की, और इनका जो है कि डिसीजन भी आने में काफ़ी वक्त लग गया था। इतना करने के बावजूद ये डिसीजन लगभग जनवरी के आसपास में 2021 में डिसीजन आया था। तो ये सब करने के बावजूद देख पा रहे 6 मंथ यहाँ पे लग गए थे ऐसे सिचुएशन में। तो यहाँ भी अब क्या होता है निर्णय, एक मंथ तो ऐसे ही यहाँ पे निकल गया ना, देखिए क्या कुछ होता है। और 2021 में इनका रिजल्ट, सॉरी जनवरी में हाईकोर्ट की स्टे हटा, उसके बाद जो है कि इनका इंटरव्यू रिजल्ट आया, फिर इंटरव्यू हुआ सब करते जो है कि अभी जो है कि रिजल्ट जुलाई में आया है शायद इनका रिजल्ट पिछले ही मंथ में। तो ये सारे जो न्यूज है यही है कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो जो सेम BPSC वाला हाल हो गया है यहाँ पे BTSC कैंडिडेट के लिए। तो स्पीड पोस्ट भी यहाँ पे किया जा सकता है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे स्टे हट सके। तो जो भी आर्टिकल निकल के आती है रिजल्ट से संबंधित, कोई भी न्यूज निकल के आती है तो हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।